हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गाड़ियों में डैशबोर्ड में लगे हुए जितने भी इम्पोर्टेंट स्विच है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज पहला स्विच लेते हैं, ABS डायग्नोस्टिक स्विच। ये डैशबोर्ड में इस तरह से दिखता है। स्विच के ऊपर ABS लिखा हुआ रहेगा, उसको समझना है कि ये ABS डायग्नोस्टिक स्विच है। ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वो कैसे काम करता है? अगर गाड़ी चलाते समय क्लस्टर में ये वाला लाइट दिखना चालू करे तब ABS सिस्टम में कुछ खराबी आई रहेगी। उस वक्त हमें गाड़ी को अतिरिक्त वर्कशॉप में दिखाना ज़रूरी है। जब इस स्विच को दबा के रखेंगे 3 सेकेंड तक, बाद में छोड़ देंगे, तब क्लस्टर में सेम लाइट ब्लिंकिंग करना चालू करेगी। उस ब्लिंकिंग कोड के हिसाब से टेक्नीशियन को पता चलेगा कि ABS सिस्टम में क्या फॉल्ट आया हुआ है और वो फॉल्ट किसके रिलेटेड है, या लैपटॉप स्कैन टूल से भी उनको पता चल सकता है। उस हिसाब से टेक्नीशियन द्वारा वो फॉल्ट ठीक किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्विच के ऊपर। इसे हिल असिस्ट स्विच बोला जाता है। अब ये नया प्रकार का स्विच गाड़ी में क्यों दिया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये स्विच हमारे लिए बहुत हेल्पफुल स्विच है। हमारी गाड़ी जब चढ़ाई पे चढ़ान चढ़ रही है, उस वक्त किसी कारण से गाड़ी को चढ़ाई पर हमें रोकना पड़ रहा है, ट्रैफिक के वजह से या कुछ रुकावट आया उसके वजह से हमें गाड़ी को रुकाना पड़ता है, उस वक्त क्या होता है, हम ब्रेक पेडल को दबा के रखते हैं और जब ब्रेक पेडल को छोड़ते हैं उस टाइम 3 सेकेंड के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक को पकड़ा रहेगा, क्योंकि चढ़ान पे रहते वक्त गाड़ी ब्रेक छोड़ने के बाद पीछे ना चले जाए और एक्सीलेटर देने के बाद गाड़ी आगे ही चलती रहेगी। इस फीचर के वजह से हमें ये एडवांटेज मिलता है, ब्रेक पेडल छोड़ने के बाद जल्दी से हम एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करें और उतने वक्त के लिए ये गाड़ी को पीछे जाने से रोकेगा। और इस स्विच का उपयोग हमें चढ़ाई चढ़ते टाइम पे ही करना है। अब हम आते हैं फ्यूल इकोनॉमी स्विच के ऊपर। हमारे गाड़ी के अंदर 3 अलग अलग टाइप के ये स्विच दिए गए हैं। एक लाइट मोड स्विच, दूसरा मीडियम मोड स्विच, तीसरा हेवी मोड स्विच। ये तीनों स्विच हमें कमर्शियल गाड़ियों में मिलेंगे। ये तीनों स्विच का हम सही से वापर करेंगे तो हमको बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, गाड़ी का फ्यूल एवरेज हमें सही से मिलेगा। हमें गाड़ी चलाते समय कौन से मोड में चलाना है ये ऑप्शन हमारे पास होता है। जब हम लाइट मोड वाला स्विच दबाएंगे तब उसमें ग्रीन हरा लाइट जलता हुआ मिलेगा। जब हम मीडियम मोड वाला बटन दबाएंगे तब येलो मतलब पीला कलर का लाइट उसमें जलता हुआ मिलेगा। अब बचा हेवी मोड वाला स्विच, वो दबाएंगे तो रेड मतलब लाल वाला लाइट उसके अंदर जलता हुआ मिलेगा। ये बटन हमें गाड़ी चलाते समय गाड़ी के कंडीशन, उसके अंदर के लोड के कंडीशन के ऊपर हमें इन तीनों बटन का इस्तेमाल करना होता है। अब लाइट मोड वाला स्विच जब दबाना है, हमारी गाड़ी रेटेड लोड में रहेगी मतलब थोड़ा सा ही माल भरा है गाड़ी में, या गाड़ी अनलोड कंडीशन में है मतलब गाड़ी में कोई माल नहीं भरा हुआ है, उस वक्त चलाते समय हमें इस बटन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब आते हैं मीडियम मोड वाले स्विच के ऊपर। गाड़ी में हल्का सा या थोड़े से ज़्यादा माल भरा हुआ है और हल्की सी रास्ता चढ़ाई वाला रोड हो, उस वक्त हमें इंजन से जितने चाहिए ज़रूरत उतनी ही पावर मिले, इसलिए हमको मीडियम मोड वाला बटन दबाना ज़रूरी है। अब आते हैं हेवी मोड स्विच के ऊपर। जब गाड़ी में पूरा माल भरा हुआ है और बड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है, उस वक्त हमें इंजन से ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, उस वक्त हमें ये बटन का इस्तेमाल करना होता है। ये भी गाड़ी चलाने के कंडीशन के ऊपर भी होता है। हाँ, ये बात जरूरी ध्यान रखना है, जब भी हम गाड़ी का चाबी इग्निशन ऑन करते हैं उस वक्त डिफ़ॉल्ट में हेवी मोड स्विच चालू हो जाता है, तो आपको पता चला ही होगा कि किस वक्त कौन सा बटन दबाना है। अब देखते हैं ये वाला स्विच, इसे इंजन ब्रेक स्विच बोलते हैं। गाड़ियों में एक तो इंजन ब्रेक स्विच होगा या एग्जॉस्ट ब्रेक स्विच होगा। ये जो ब्रेक है उसको सप्लीमेंट्री ब्रेक बोलेंगे। ये हमारे गाड़ी के सर्विस ब्रेक के साथ साथ ब्रेकिंग में सपोर्ट करेगा। इस सिस्टम के वजह से हमें सर्विस ब्रेक सिस्टम के होने वाले एक्सेसिव हीट और ब्रेक लाइनर का घिसना कुछ प्रमाण में कम होता है। ब्रेक का तापमान नियंत्रित रहने के वजह से
व्हील के टायर का तापमान भी नियंत्रित होता है और टायर का तापमान नियंत्रण में होने से बेटर ट्रैक्शन भी मिलता है, मतलब टायर का और रोड का घर्षण सही प्रमाण में होता है। हाँ, पर यह सिस्टम गाड़ी को कंप्लीट ब्रेक नहीं लगाती है। अब देखते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक को कैसे यूज करें। एग्जॉस्ट ब्रेक को चालू करने के लिए डैशबोर्ड में ये सिस्टम वाला बटन दिया हुआ है। क्लच पेडल और एक्सेलेटर पेडल छोड़ने के बाद हम जब हल्का सा ब्रेक लगाते हैं तब एग्जॉस्ट ब्रेक का सिंबल क्लस्टर में दिखाना चालू होता है और पेडल को उससे ज़्यादा दबाने के बाद सर्विस ब्रेक लगना चालू होता है। ढलान जैसे रोड से उतरते वक्त गाड़ी के स्पीड के हिसाब से लोअर गियर को डालने के बाद हमें एग्जॉस्ट ब्रेक से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है और ज़्यादा ब्रेकिंग के लिए सर्विस ब्रेक को दबाना जरूरी है। इस ऑपरेशन के दौरान क्लस्टर में एग्जॉस्ट ब्रेक का लाइट जलना चालू होगा और ब्रेक पेडल को छोड़ने के बाद बंद होगा। ये सिस्टम इंजन चलते समय 1200 आरपीएम के ऊपर होगा तभी अच्छे से काम करता है। डाउनहिल मतलब ढलान उतरते समय हमें एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग करना जरूरी है और नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में हमें इंजन ब्रेक स्विच ऑफ रखना जरूरी है। अगर ड्राइवर को इस स्विच का इस्तेमाल करना है तो ढलान वाले एरिया में या हेवी ट्रैफिक हो या सिटी रूट में चला रहा है तो हल्का सा ब्रेक के उपयोग में गाड़ी के स्पीड में नियंत्रण मिलता है। अब नॉर्मल कंडीशन में स्विच को ऑन रखा तो इंजन ब्रेकिंग सिस्टम इंजन के 1200 आरपीएम के बाद चालू होता है और जब एक्सेलेटर पेडल को पूरा छोड़ेंगे तब 900 आरपीएम के नीचे काम नहीं करेगा और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन में स्विच नहीं दबा होगा तो इंजन के 2700 आरपीएम के बाद पूरा एक्सीलेटर छोड़ने से ही काम करेगा और 2500 आरपीएम के वहां तक आएगा या उससे नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लस्टर के अंदर वाला लाइट्स उनका क्या मतलब होता है ये भी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।